ब्रेक के बाद वॉर शेफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अलका जी हैं जो कि पापा टॉय टॉय में रहती हैं। हमने ब्रेक से पहले देखा कि उनकी फैमिली एंड हमने उनसे बात की। हमारी फर्स्ट व्यूअर है अलका जी, जिन्होंने खुद ही वॉर शेफ को कॉल किया और हमें उनकी रेसिपी शेयर करने के लिए बुलाया है। सो आज जो रेसिपी वो शेयर करने वाली है वो है पौष्टिक वेज कबाब्स। सो चलिए हम जानते हैं अलका जी से कि इसकी रेसिपी कैसे बनती है। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉर शेफ में। थैंक यू सो मच शगुन, मोस्ट वेलकम। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। एंड एक्चुअली कुकिंग मेरा पैशन है, ओह वाह। और जब मैंने उस दिन आपका प्रोग्राम देखा एंड आई थॉट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड तभी मैंने कॉल किया। आई सेंट अ मैसेज कि मुझे आपके आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई गॉट बैक अ कॉल सेइंग दैट ओके वी विल कम एंड मीट यू श्योर वेरी सून, एंड आई एम सो हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू माई किचन शगुन। थैंक यू अलका जी। इसीलिए अलका जी, वॉर शेफ का ये कॉन्सेप्ट रहा है कि हर घर में रहता है एक मास्टर शेफ, उसी मास्टर शेफ को ही सलाम करती है हमारी ये वॉर शेफ। सो आज आप हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं पौष्टिक वेज कबाब। सो ये आपने पौष्टिक बोला, तो इस डिश के बारे में आप कुछ बताएंगे कि पौष्टिक कैसे है? पौष्टिक इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने काले चने यूज़ किए हैं, एंड काले चने आर सपोज टू बी द मोस्ट न्यूट्रिश थिंग फॉर इवन चिल्ड्रन, बड़ों के लिए, एंड लो इन फैट एंड वेरी हाई इन प्रोटीन, ओके, राइट। एंड अगर आप देखो तो ये चने जो है ये कच्चे हैं, दे आर नॉट बॉइल्ड, सो इसका पूरा न्यूट्रिशन इसमें भरा हुआ है। तो अलका जी, जैसे आपने बताया कि कितना न्यूट्रिशियस एंड पौष्टिक है ये वेज जो कबाब से हमारे, सो इसमें हम और क्या क्या वेरिएशंस ला सकते हैं, आप हमें बताएंगे? या इट इज़ नॉट द एंड, लाइक सिर्फ कबाब नहीं, इसमें आप यू नो यू कैन मेक इट लाइक बर्गर्स, बहुत बच्चों बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो नॉर्मली व्हेन यू गेट द बर्गर्स उसमें सिर्फ यही होता है, इट्स जस्ट गॉट एन आलू की टिक्की इन इट, बट जब आप ये उसमें रिफिल करके दोगे इंस्टेड ऑफ इफ यू रिप्लेस दिस फॉर द आलू, देन यू सी यू गिविंग सो मच ऑफ न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन, एंड बर्गर में तो कुछ भी डालो आप बच्चों को, इट्स ऑलवेज वेलकम, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, कभी ये लगता है कि शाम के टाइम रोटी नहीं खानी है, प्लेन रोटी में मज़ा नहीं आता, तो यू कैन ऑलवेज मेक अ काठी कबाब ऑफ दिस, यू नो, रोटी में ही रोल करके उसमें आप अपना सारा सैलड वगैरह डालिए, और द वे यू लाइक इट, विद ज़्यादा तीखा चाहिए तो खूब उसमें मिर्ची डाल लीजिए, और अगर बच्चों के हिसाब से चाहिए तो उसमें मीठी चटनी डाल लीजिए, एंड यू कैन मेक अ काठी रोल, एंड यू कैन हैव इट एज अ काठी रोल ऑल्सो, वेरी नाइस टू टेक फॉर पिकनिक्स, वेरी नाइस टू सर्व फॉर योर गेस्ट्स, एंड घर में तो ये यू कैन हैव इट। मौसम भी आजकल ऐसा है कि कबाब्स तो किसी टाइम चलते हैं। इंटरेस्टिंग। तो दर्शकों, ये कितना न्यूट्रिशियस है और इसके कितने वेरिएशंस से हम बना सकते हैं, तो जिनको तेल नहीं चाहिए ज़्यादा अपने खाने में, तो वो भी आराम से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो अलका जी, हमारे वॉर शेफ के दर्शक जानना चाहते हैं कि हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हमें बताइए कि कैसे इसको इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप, एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले तो हमने अपने चनों को, मैंने ये चने जो है ये ओवरनाइट सोक किए थे, दे आर सोक्ड ओवरनाइट, एंड बस इसको स्ट्रेन कर लीजिए, और स्ट्रेन करने के बाद इसको मिक्सर में सब चीज़ें जो हैं इसमें, जो मैंने आपको बताई हुई हैं, इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, सम हरा धनिया, और हरी मिर्ची, पुदीना, और माई सीक्रेट कबाब इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया था, इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ सौंफ, सम इलायची, सम अजवाइन, अ लिटिल बिट ऑफ जीरा, ये इसमें मिक्स करना है आपने। तो अलका जी, आपने बताया ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये आप कहाँ से लेके आए और कहाँ से डिस्कवर किया आपने? एक्चुअली मेरे को, आपको मैंने शुरू में बताया कि आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड ये मेरी रेसिपी बहुत पुरानी है। Okay. In fact, this was when I was in college. That was the first time I made this recipe. Okay. And usme fir variations karte karte I noticed ke you know isme kuch garam masala wala taste aana chahiye. All right. So har baar main variation karti thi. So I somehow garam masale ke sath mujhe laga ke it's too bachche nahi kha sakte fir usko. तो मुझे लगा कि वो आना चाहिए फ्लेवर, देयर शुड बी अ डिफरेंट फ्लेवर, सो आई चोज टू पुट दीज फोर थिंग्स विच आर वेरी वेरी गुड, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सौंफ भी, अजवाइन भी, एंड जीरा ऑफ कोर्स एज एवरीबॉडी नोज इट्स ऑल वेरी गुड फॉर डाइजेशन, सो मुझे लगा ये क्यों नहीं डालूं।
और हींग एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ एकदम फ्लेवर, हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आता है व्हेन यू यूज हींग इन एनीथिंग. सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड यूजिंग माय सीक्रेट कबाब मसाला. ओके राइट, तो अभी अलका जी ने हमें बताया कि पौष्टिक वेज कबाब कितना पौष्टिक है. सो अब जानते हैं कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या है बनाने के लिए. तो अलका जी स्टार्ट करें, हमारा पौष्टिक वेज कबाब है जो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस रेसिपी को जानने के लिए. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर टू यू गाइस. सो ये ग्राउंड जो चनाज हैं इसमें आलू जो मैश करे हुए थे मैंने वो ऐड करेंगे इसमें. एंड वी डोंट नीड टू ऐड द होल आलू, वी हैव टू फर्स्ट सी हाउ मच वी नीड. जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. सो क्या क्वांटिटी में आलू और क्या क्वांटिटी में मसाला होना चाहिए? दिस इज एक्चुअली डिपेंड्स कि कितने लोगों के लिए आपने बनाना है. जी, अब मैंने जो लिया है आई हैव टेकन द चनास व्हिच आई हैव टेकन इज अराउंड 1/4 kg. ओके, तो इसमें मैंने अबाउट 1/4 kg चनास लिया है. जी, ये फूल के इतने बड़े हो गए हैं. वैसे तो लगता नहीं है कि इतने कम लिए हैं, बट कम में भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं ये. और आलू के साथ साथ फिर मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालूंगी. 1 tablespoon. इट हैज टू एक्चुअली बाइंड टुगेदर. ओके, सो आफ्टर वी 2 teaspoons. ओके, फॉर दिस मच. जी, 2 teaspoons इज मच मोर, आई थिंक मोर देन इनफ. तो अलका जी आपने अभी कॉर्नफ्लोर डाला, कॉर्नफ्लोर ही क्यों? कॉर्नफ्लोर इसलिए क्योंकि ये बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है. एंड कॉर्नफ्लोर इज अनदर थिंग व्हिच डज नॉट सोक टू मच ऑफ ऑयल. ओके, सो दैट्स व्हाई आई चूज टू यूज कॉर्नफ्लोर. आप बहुत चीजें और यूज कर सकते हैं. बहुत लोग मैदा यूज करते हैं, आटा यूज करते हैं, पर उसमें फिर सॉगीनेस हो जाती है एंड देन दैट विल टेक अ लॉट ऑफ ऑयल. बट कॉर्नफ्लोर बहुत कम क्वांटिटी डलता है फॉर बाइंडिंग एंड ऑयल भी ये कम लेता है. सो उसका बेसिक जो मतलब है डालने का वो उसको बाइंड करके रखना, बाइंड करना एंड टेकिंग ऑफ सोकिंग ऑफ लेस ऑयल. ऑलराइट, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग कॉर्नफ्लोर. ओके, सो कॉर्नफ्लोर यूज होता है बेसिकली कबाब्स को बाइंड करने के लिए. सो ये हमारे वारशेफ के दर्शकों को एक टिप भी है. सो अलका जी अब नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या डालने वाले हैं? इसमें नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट. कितना? सो इसमें एक्चुअली चने जब हमने जब ग्राइंड किए थे तो उसमें मैंने आपके सामने सारे मसाले डाल दिए थे. जी, सो चनों के हिसाब से तो ऑलरेडी डला हुआ है इसमें मसाला. उसमें आई यूज्ड अबाउट 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट. और सॉल्ट इज ऑलवेज अप टू योर टेस्ट. अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो उसमें ज्यादा डाल सकते हैं. और मैंने मिर्ची हरी ऑलरेडी डाली हुई थी इसलिए मैंने लाल मिर्च बहुत कम डाली है ताकि बच्चे भी खा सके इसको आराम से. धनिया, सूखा धनिया. और ये भी मैंने शायद अबाउट आई थिंक आई यूज्ड अबाउट 1-1.5 teaspoon ऑन दिस. एंड द सीक्रेट कबाब मसाला जो है मेरा वो मैंने ऑलरेडी इसमें 1.5 चम्मच यूज किया है. ओके, यू नो बिकॉज दिस इज द मेन थिंग जो फ्लेवर लाने वाला है कबाब. ऑलराइट, और आलू जो मैंने डाले हैं आई पुट 2 boiled aloo. तो आलू तो हमने इसमें मिक्स कर ही दिया है शगुन. और अब थोड़ा सा इसमें सीजनिंग और करना पड़ेगा हमें. ओके, बट आपने ऑलरेडी मिक्सचर से पहले इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो सीजनिंग थी वो आपने डाली, अब वापस आप डालने वाले हो? वो जो सीजनिंग थी वो सिर्फ चनों के हिसाब से थी. जी, अब आलू के हिसाब से जो जितना चाहिए जी जी उस हिसाब से इसमें सीजनिंग और ऐड करनी है. ऑलराइट, नमक जी, ये धनिया, और वो भी आलू के क्वांटिटी के हिसाब से. हाँ, जितना आलू डाला उस हिसाब से फिर से इसमें मैंने 2 छोटे आलू डाले हैं. जी, दो छोटे आलू मैश किए हुए. ये तो ज़्यादा है. सो जितना हमेशा आप जब मिक्सिंग करते हैं तो यू कैन जस्ट मेक आउट. तो अलका जी, हम आलू की जगह कुछ और हम डाल सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, और भी हेल्दी इसको बनाने के लिए? या ऑफ कोर्स यू कैन ऐड स्वीट पोटैटो इज समथिंग व्हिच चिल्ड्रन विल आल्सो लाइक अगेन. बट पोटैटो के साथ थोड़ा सा एक वो पोटैटो समथिंग दैट चिल्ड्रन लव, यू नो, और उसके साथ एक वो फ्लफीनेस भी आ जाता है, एक हल्कापना भी आ जाता है. एंड एज आई टोल्ड यू प्रोटीन्स के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी होते हैं. जी, सो ऑलराइट. अभी आपने वारशेफ में देखा कि अलका जी ने चना, आलू और डिफरेंट सीजनिंग के साथ कैसे मिक्सचर तैयार किया. अब हम देखेंगे कि उस मिक्सचर से हम कैसे कबाब बनाते हैं. तो चलिए पूछते हैं अलका जी से. तो अलका जी, हमारे जो ये पौष्टिक वेज कबाब है, ये अब इनके इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे?
मिक्सअप के लिए हम इनको शेप करेंगे जी. विल शेप देम ऑन दिस जो ये शीक है जी. इसके ऊपर हम इसको शेप करेंगे जी. और फिर हम इसको फ्राई करेंगे जी. एंड देन ऑफ कोर्स विद द डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज वी रिलिश देम जी. तो आपने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है. बिल्कुल. तो हमारा ऑयल गरम हो चुका है अलका जी. हाँ जी, ऑलमोस्ट डन. ओके, अभी मैंने ये थोड़ा सा डाला है देखने के लिए कि हो गया है जी. एंड नाउ ओके, मिक्सचर को थोड़ा सा अपने पाम पे लीजिए और इसको इसके ऊपर जस्ट गो अराउंड इट जी. अगर ये टूटता है तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल अपने हाथ पे लगा सकते हैं जस्ट टू कीप इट जी. एंड इसको बस शेप किया और ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए जी, नहीं तो वो कुक नहीं होगा प्रॉपरली जी. एंड जस्ट कीप ऑन रोलिंग इट लाइक दिस जी. सो जी, जो आप ये कबाब्स जो बना रहे हैं, हम इस मिक्सचर के साथ क्या हम ऐसे डायरेक्टली पकौड़े भी बना सकते हैं? मैंने जैसे आपको बताया था कि बच्चों के लिए जब आप अपने बर्गर्स बनाते हैं जी. तो यू कैन ऑल्सो मेक देम एज टिक्कीज एंड पैटीज, तो उसमें आप उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डीप फ्राई देम, बट ये कबाब तो खस्ता तभी होंगे जब इनको डीप फ्राई किया जाएगा. ओके, सो अलका जी, हमारे वाशेफ के दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने ये रेसिपी फर्स्ट कब ट्राई की थी एंड कैसे, किसके लिए ट्राई की थी? ये मैंने जब मैं कॉलेज में थी जी, जी. तब मैंने ये बनाया था. आपने किसके लिए बनाया था स्पेशली? स्पेशली फॉर माय फादर, बिकॉज ही वाज अ लवर ऑफ फूड एंड ही यूज्ड टू लव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, और उनको नॉनवेज का बहुत शौक था. तो मैंने उनको एक दिन मैंने चैलेंज किया था कि मैं आपको वेजिटेरियन ऐसी चीज खिलाऊंगी आप कभी गैस ही नहीं कर सकोगे कि वो वेज है कि नॉन वेज है. एंड ही सेड नहीं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता. अच्छा. पर ये खाने के बाद ही कुड नॉट गेस दैट इट वाज चनास. ओह, सो मतलब जो हार्डकोर नॉनवेज है, नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग इस रेसिपी को एज अ वेज भी है नॉन वेजिटेरियन वे में भी खा सकते हैं. बिल्कुल. ओह दैट्स नाइस. सो वाशेफ के दर्शक को ये एक टिप मिली है कि अगर वो वेजिटेरियन है और उन्हें नॉन वेज सॉर्ट ऑफ रेसिपी का मज़ा लेना है तो ये उनके लिए परफेक्ट है. यस, इट इज़ परफेक्ट. ओके, तो अलका जी, हमने कबाब्स को शेप दे दिए हैं, सो अब हम इसको क्या करेंगे? शगुन, नाउ वी हैव टू ओनली डीप फ्राई देन. ओके, या एंड बिकॉज़ द ऑयल इज क्वाइट हॉट, और इसको डीप फ्राई करने के लिए बस एक एक करके इसको ऑयल में छोड़ देंगे जी, और ये धीरे धीरे से होगा जी. एंड मेन चीज इसमें जो मैं शीक यूज करती हूँ इज बिकॉज ये हॉलो है अंदर से. अच्छा. सो ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से कुक हो जाता है. कुक हो जाता है. और अगर ये पूरा होगा देन इट विल टेक मोर टाइम टू कुक. ओके, सो ये कितना टाइम लगता है इन्हें कुक होने के लिए? 5-10 मिनट, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो 5-10 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे पूरी तरह खाने के लिए. ओके, सो अलका जी, हमें बताइए कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आप ही कुक करते हैं एंड कितने फैन हैं आपकी कुकिंग के आपके फैमिली मेंबर्स? एक्चुअली शकु, जैसे मैंने आपको बताया कि आई बिन ऑलवेज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड मैं कुकिंग क्लासेस भी होल्ड करती हूँ. सो एनी बडी हु इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग माई कुकिंग क्लासेस कैन ऑलवेज कम एंड जॉइन. द एड्रेस इज 31 पापा टोय टोय ओवरटन रोड, 31 ओवरटन रोड पापा टोय टोय. आपको देख के एक्साइटेड हो गई हूँ मैं. वाओ अलका जी, आप कुकिंग क्लासेस भी लेते हो, सो ये अपने क्लासेस कैसे शुरू किए? इंडिया में भी मैं क्लासेस करती थी. सो आई थॉट यू नो पंजाबी रेसिपीज आर सम रेसिपीज विच एवरीबडी लव्स. पंजाबी फूड इज समथिंग विच एवरीबडी लव्स. और नॉट ओनली पंजाबी, आई कैन टीच लॉट ऑफ रेसिपीज जो भी हैं जी. तो एंड आई लव टू शेयर व्हाट आई नो. सो बट देन आई थॉट मौसम बहुत अच्छा है तो कबाब्स का ही आज बनता है खाना. दैट्स व्हाई आई चोज टू शो यू द पौष्टिक वेज कबाब्स. अलका जी, ये तो काफी डीप फ्राई हो गया है, सो अब हम क्या करेंगे? ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं कबाब, तो ऑलरेडी हो चुके हैं जी. अब इसको आपने रिलिश करना है विद द 3 काइंड ऑफ चटनीज जी, व्हिच आई एम गोइंग टू सर्व देम विद. एंड साथ में इसके थोड़ा सा सैलड है जिसके ऊपर मैं इसको गार्निशिंग के लिए मैंने सैलड यूज किया है जी. एंड वो भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ जी. इट्स अ नेस्ट, इट्स अ वेजिटेबल नेस्ट जी.
आपने चटनी के बारे में बोला है जी. तो आप अभी हम लोग आपने बताया धनिया और पुदीने का चटनी है. हाँ जी. सो और कौन सी चटनियाँ हम यूज कर सकते हैं? मैंने आज आपको तीन वेरिएशन चटनीज में ही जो जिसके साथ आप टेस्ट करेंगे. आई हैव मेड ऑल्सो बीटरूट चटनी जो थोड़ी सी खट्टी मीठी है वो है, और टोमेटो सॉस नॉर्मल जो बच्चे जिसके साथ एंजॉय करेंगे, एंड हरी चटनी. Just ingredients which I told you are really cool and very very again very nutritious. Yeah, mint is something which is really very good. Yes. और mint धनिया उसमें खूब सारा नींबू और चटपटी चटनी. तो अब हम ready हैं इसको garnishing के साथ सजाने के लिए. Absolutely. तो हमारे सामने गरम गरम पौष्टिक वेज कबाब तैयार है. इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इनको भाई खाने के लिए. तो अब हम इसको गार्निश करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद.